फ्रेंड्स, मैं सत्य मार्या। मैं आज एक नया टॉपिक लाया हूँ जो है टर्माइट, जिसको हम बोलते हैं दीमक। चलिए हम देखते हैं दीमक। ये दीमक का ऐसा पेस्ट है जो पॉलीफेगस पेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है क्रॉप को, साथ ही साथ हमारे जो घरों में फर्नीचर्स वगैरह पाए जाते हैं और स्टोर किए गए जो फूड मटेरियल अनाज होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे जो खड़ी फसल होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला पेस्ट है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं। टर्माइट, जिसको हम दीमक बोलते हैं, इसका सैंटिनियम क्या होता है? ओडोन्टोटर्मस ओबेसस। ओडोन्टोटर्मस ओबेसस सैंटिनियम होता है। ऑर्डर किस ऑर्डर के अंतर्गत आता है? आइसोपेरा ऑर्डर के अंतर्गत आता है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा फैमिली है, फैमिली किस फैमिली के अंतर्गत आता है? टर्मिटिडी फैमिली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा है माउंड। माउंड क्या होता है कि माउंड ये टर्माइट के वर्कर के द्वारा सलाइवा स्वाइल और एस्क्रीटरी मटेरियल के द्वारा मिला करके एक हाउस का निर्माण करते हैं, जिसको हम माउंड बोलते हैं। और माउंड को ही हम टर्मिटेरियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिटेरियम भी बोलते हैं। तो टर्मिटेरियम या माउंड इसी को बोलते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारा है माउंड या टर्मिटेरियम बोलते हैं, और ये क्या करता है? नेचुरल एनिमी से प्रोटेक्शन करता है, हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ ट्रोफेलेक्सिस क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल इसी को हम बोलते हैं ट्रोफेलेक्सिस, या कह सकते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रोफेलेक्सिस। और ट्रोफेलेक्सिस टू टाइप्स, ओरल ट्रोफेलेक्सिस एंड एनल ट्रोफेलेक्सिस। ओरल ट्रोफेलेक्सिस क्या होता है? जब फूड मटेरियल का ट्रांसफर माउथ टू माउथ होता है उसको बोलते हैं ओरल ट्रोफेलेक्सिस, और जब फूड मटेरियल का ट्रांसफर एनस से माउथ के बीच होता है तो उसको बोलते हैं एनल ट्रोफेलेक्सिस। तो ट्रोफेलेक्सिस टू टाइप्स, म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रोफेलेक्सिस। ट्रोफेलेक्सिस टू टाइप्स, ओरल ट्रोफेलेक्सिस और एनल ट्रोफेलेक्सिस। ओरल ट्रोफेलेक्सिस में माउथ टू माउथ ट्रांसफर होता है फूड मटेरियल का, और एनल ट्रोफेलेक्सिस में फूड मटेरियल का ट्रांसफर एनस टू माउथ होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा फाइजोगैस्ट्रिक क्या होता है कि इनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ फीमेल का जो एब्डोमेन होता है उसमें इनलार्जमेंट होता है, बड़ी हो जाती है ड्यू टू द इंक्रीज साइज ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उनकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है उनमें साइज में बढ़ोतरी होने के कारण उनके एब्डोमेन भी बड़ी हो जाती है, तो इसी को क्या बोलते हैं? फाइजोगैस्ट्रिक कंडीशन टर्माइट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्या है? मोल्डी फॉर्म। तो टर्माइट में पूछा जाता है कि किस प्रकार की एंटनी पाई जाती है, तो ये मोल्डी फॉर्म टाइप की एंटनी पाई जाती है। किस प्रकार की? मोल्डी फॉर्म टाइप की एंटनी पाई जाती है टर्माइट में। इसके साथ साथ फाइजोगैस्ट्रिक कंडीशन देखने को मिलती है, साथ ही साथ ट्रोफोलेक्सिस कंडीशन देखने को मिलती है, और हमारा माउंड, ये इनके हाउस को हम क्या बोलते हैं? माउंड बोलते हैं। अब हम देखते हैं कास्ट ऑफ टर्माइट। टर्माइट में जो कास्ट पाई जाती है वो दो कैटेगरी में पाई जाती है, एक रिप्रोडक्टिव कास्ट, एक नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट। जो रिप्रोडक्टिव कास्ट होती है उसमें हमारा क्या आता है? किंग आता है और क्वीन आता है। इनकी संख्या कितनी होती है? वन होती है और वन क्वीन होती है। वन किंग होता है, वन क्वीन होती है। इसके साथ साथ जो नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट होता है उसमें वर्कर और सोल्जर आते हैं। तो नॉन रिप्रोडक्टिव का मतलब इनमें रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करेंगे, और जो रिप्रोडक्टिव कास्ट होते हैं यही रिप्रोडक्शन करते हैं, यही पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं, तो ये वर्कर और सोल्जर, वर्कर क्या करते हैं? पूरे कॉलोनी का 80-90% पॉपुलेशन जो है कि किसकी होती है? कॉलोनी में वर्कर की होती है। और सोल्जर के 5-10% पॉपुलेशन जो होती है किसकी होती है? सोल्जर की होती है। अब हम देखते हैं, अब लाइफ साइकिल पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो टर्माइट की लाइफ साइकिल होती है वह तीन अवस्थाओं में कंप्लीट होती है, एक नेम फॉर एडल्ट, ये इनकम्प्लीट टाइप की मेटामॉर्फोसिस होती है। चलिए देखते हैं लाइफ साइकिल जो होती है वो विंग एडल्ट, जो एडल्ट मेल या फीमेल होता है इसको एलेट बोलते हैं। ये जब वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है तो वर्षा ऋतु स्टार्ट होने के साथ साथ
ये क्या करते हैं, एक उसी दौरान अपने माउंट से घरों से निकल करके एक उड़ान भरते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेपच्यूल फ्लाइट बोलते हैं, नेपच्यूल फ्लाइट बोलते हैं, मैथुनी उड़ान बोलते हैं, मैथुनी उड़ान करते हैं। उसी उड़ान के दौरान इनके जो विंग्स होते हैं वह क्या होते हैं, गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। और जो नर तथा मादा जो मैथुनी उड़ान के लिए उड़ान भरे थे, वही जो है कि साथ साथ ज़मीन पे गिरते हैं, और जहाँ पर ज़मीन पे गिरते हैं उसी ज़मीन में, वही ज़मीन में अंदर जा कर के, ज़मीन के अंदर जा कर के एक अपना घर बनाते हैं, एक अपना घर बनाते हैं। और वही नर तथा मादा, नर तथा मादा मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल आगे जा करके क्वीन टर्माइट और किंग टर्माइट के रूप में जाने आते हैं। और क्वीन टर्माइट क्या करती है, वह आगे चल करके कुछ टाइम बाद ये एग लेइंग करते हैं। एग लेइंग क्या करते हैं, वन बाई वन करके एग लेइंग की जाती है, वन बाई वन करके एग लेइंग की जाती है। और एग की साइज कितनी होती है, 0.5 mm होती है, 0.5 mm होती है। साथ ही साथ वाइट एंड येलो कलर के होते हैं और एक लेंग के। इसके साथ साथ ये पर डे जो क्वीन होती है टर्माइट की, वह एक लेंग करते हैं लगभग पर सेकंड की दर से एक लेंग करते हैं, लगभग 70 से 80 हज़ार एक पर डे दिए जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको फीमेल टर्माइट को, टर्माइट क्वीन को हम एक लेंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एग दिया गया। अब एग के बाद जो है कि निम्फ बनता है, तो एग से निम्फ बनने में लगभग 20 से लेकर के 22-90 डेज का टाइम लगता है, 22-90 डेज का टाइम लगता है एक से निम्फ बनने में। और निम्फ ये 20-90 डेज डिपेंड अपॉन द फेवरेबल कंडीशन के आधार पर ये डिपेंडेबल होता है। इसके बाद निम्फ बनते हैं, तो निम्फ ही आगे चल करके निम्फ से ही वर्कर में चेंज होते हैं, निम्फ ही आगे चल के सोल्जर में चेंज होते हैं, और रिप्रोडक्टिव कास्ट में चेंज होते हैं। तो निम्फ ही आगे चल कर वर्कर, वर्कर क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि वर्कर क्या होते हैं, ये स्टराइल नेचर के होते हैं। साथ ही साथ क्या होते हैं, ये पूरी पॉपुलेशन का 80-90% होते हैं। वर्कर क्या होते हैं, पूरी पॉपुलेशन, कॉलोनी की पॉपुलेशन का 80-90% होते हैं। और साथ ही साथ क्या होते हैं, स्टराइल होते हैं। और क्या होते हैं, विंगलेस होते हैं। क्या होते हैं, विंगलेस होते हैं। ये क्या करते हैं वर्कर, ये कॉलोनी की केयर ऑफ ब्रूड, केयर ऑफ एग्स, केयर ऑफ कॉलोनी, कॉलोनी की केयर करते हैं। इसके साथ साथ जो सोल्जर होते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये पूरी कॉलोनी का कितना परसेंट, 5-10% होते हैं। और ये भी क्या होते हैं, विंगलेस होते हैं। ये क्या होते हैं, विंगलेस होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कॉलोनी के डिफेंस ग्रुप में काम करते हैं, ये कॉलोनी को डिफेंस देते हैं, डिफेंस करते हैं। अब हम देखते हैं निम्फ के द्वारा जो और भी कास्ट बनती है, वो उसमें रिप्रोडक्टिव कास्ट आता है। रिप्रोडक्टिव कास्ट ही आगे चल करके विंग्ड एडल्ट या एलिट बनते हैं, जिसमें नर तथा मादा विंग वाले, विंग्ड एडल्ट नर तथा मादा होते हैं, जो आगे चल के नेपच्यूल फ्लाइट के दौरान ये डी इलेट, मतलब पंख उनके गिर जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डी इलेट नर तथा मादा बोलते हैं। वही आगे चल के क्वीन टर्माइट और किंग टर्माइट के रूप में जाने आते हैं। तो इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। हाँ, आपको ये थोड़ा जान लेना है कि निम्फ से एडल्ट बनने तक लगभग लगभग 6 से लेकर के 13 मंथ का टाइम लगता है, 13 मंथ का टाइम लगता है। और इसमें लगभग 4 से लेकर के 10 टाइम्स मोल्टिंग होती है, और उस 6 से 13 मंथ के टाइम में, ड्यूरेशन में 4 से 10 बार मोल्टिंग करके ये क्या बनते हैं, निम्फ से एडल्ट बनते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा टर्माइट की जो लाइफ साइकिल होती है वह इनकम्प्लीट टाइप की मेटामॉर्फोसिस होती है। अब हम देखते हैं टर्माइट, टर्माइट के कंट्रोल के बारे में। तो टर्माइट कंट्रोल करने के लिए देते हैं कंट्रोल, कंट्रोल क्या है, कंट्रोल के लिए जैसे टर्माइट जो है कि फ्रूट क्रॉप में भी अटैक करता है, तो फ्रूट क्रॉप जो होते हैं, फ्रूट क्रॉप में जो प्लांटेशन करते हैं, तो प्लांटेशन जिस पिट में करते हैं, तो उस पिट को ट्रीट कर सकते हैं विथ 2% लिंडेन, 2% लिंडेन, लिंडेन इमल्सन, लिंडेन इमल्सन, लिंडेन 2% लिंडेन इमल्सन की सहायता से हम पिट को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरे क्या कर सकते हैं, अगर फील्ड क्रॉप जो इसमें फील्ड क्रॉप जो होती है क्रॉप्स की, उसको हमें क्रॉप्स को क्या कर देते हैं, सीड को ट्रीट कर सकते हैं, जो कि 160 ml इमल्सन ऑफ क्लोरोपाइरीफास
1 लीटर वाटर में घुल करके हम जो है कि ट्रीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्लोरोपाइरीफास और लिंडे क्लोरोपाइरीफास और लिंडेन ये जो ऐसी दवाएं हैं जो कि टर्माइट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही जो है कि प्रयोग की जाती है, बहुत ही ज़्यादा इससे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारे टॉपिक टर्माइट का समाप्त हुआ। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।